हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज की हमारी टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं मनी सोर्स के बारे में। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मनी सोर्स क्या, मैंने बताया कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा यदि वह भारत में आता है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने कैपिटल का सोर्स बताना होगा। ठीक है, उसे अपने कैपिटल का सोर्स बताना होगा कि भैया ये कैपिटल हमने कहाँ से लाया। और जो सेबी होती है वो इस सोर्स को इसलिए जानना चाहती है कि कहीं वो पैसा हवाला से तो नहीं आया, कहीं वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है, या कहीं वो पैसा हवाला स्कैंडल का तो नहीं है। तो आपके मन में इन सब को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इसका सलूशन, सही सलूशन नहीं मिलता है कि होते क्या चीज़ हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं क्या चीज़ होता है। देखिए, आपको मैं बात करता हूँ राहत फ़तेह अली खान की। नाम तो सबने सुना होगा, ये एक सिंगर हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से हैं। ये क्या करते हैं कि ये आए भारत, ठीक है, भारत में इन्होंने सिंगिंग वगैरह किया, जो भी किया भारत में इन्होंने पैसे कमाए, ठीक है, और उस पैसे पर सरकार को ये टैक्स पे करना नहीं चाह रहे हैं, सरकार को टैक्स पे करना नहीं चाह रहे हैं। फिर ये चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये पैसा हमारा किसी भी हाल में पाकिस्तान पहुंच जाए। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की बात करूँ, कोई भी फॉरेन कंट्री की बात मैं कर सकता हूँ, कोई भी फॉरेन कंट्री, ठीक है, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, स्पेशली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया में बैठा एक आदमी, कोई भी आदमी इंडिया का बैठा, वो चाह रहा है कि भारत से पैसा कहाँ चला जाए, पाकिस्तान में चला जाए। और क्यों ऐसा करना चाह रहा है भाई, लीगल भी तो लेके जा सकता है, यानी सरकार को टैक्स दे दे लेके जाए आराम से, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, वो सरकार को बिना टैक्स चुकाए यहाँ से बाहर जाना चाहता है। तो वो पैसा क्या करता है, एक हवाला के एजेंट को दे देता है। हवाला के एजेंट क्या होते हैं, अभी आप हवाला नाम याद रखो, ठीक है, या ऐसे आप याद रखो कि एक एजेंट होता है, उस एजेंट को ये हवाला का पैसा दे देते हैं, और वो एजेंट इस पैसे को कैश फॉर्म में लेके कहाँ जाता है, बॉर्डर के इस पार जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है बॉर्डर के पास, वैसे ही ये पकड़ा जाता है, ध्यान समझिएगा, वैसे ही ये पकड़ा जाता है। यानी इस चीज़ को बोला गया हवाला स्कैंडल, ठीक है, इस चीज़ को क्या बोला गया, हवाला स्कैंडल। जब तक आप किसी गलत काम में पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक कोई स्कैंडल नहीं कहलाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप को यदि उस बारे में कोई नहीं जानता, तब तक वो मैटर स्कैंडल नहीं है। स्कैंडल मतलब जब आप पकड़े गए तो फिर क्या है स्कैंडल, यानी जब हवाला का पैसा पकड़ लिया जाता है तो क्या कहलाता है, हवाला स्कैंडल। बात समझ में आई। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भारत का पैसा लोग बाहर लेके जाना चाहते हैं, और बाहर जाते समय जो भी बॉर्डर पर चेकिंग होती है, यदि वहाँ किसी भी वजह से पकड़ा गया पैसा किसी भी वजह से, तो क्या होता है, हवाला स्कैंडल कहलाएगा। यदि पैसा इस पार पहुंच गया तो, यदि आपने कहा आपके दिमाग में होगा कि यदि नहीं पकड़ा गया तो, अगर नहीं पकड़ा गया तो हवाला हो गया, वो क्या हो गया, हवाला हो गया। ये मैं एकदम शुरुआत की कहानी बता रहा हूँ, एकदम शुरू में कैसा होता था, अभी तो हवाला ने बहुत डेवलप कर लिया, ठीक है ना, तो अभी मैं बता रहा हूँ आगे इस समय क्या होता है, इसको ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो समझ गया ना। यदि पैसा भारत से दूसरे देश में पहुंच गया तो क्या हो गया, हवाला, ठीक है, और यदि पहुंचते पहुंचते पकड़ा गया तो हवाला स्कैंडल। तो दो मैटर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तीसरा मैटर समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है भारत, और भारत से मान लीजिए कि एक भगोड़ा है जिसका नाम विजय माल्या, ठीक है, आपने बार बार इसका पेपर में जिक्र सुना होगा, नाम सुना होगा, ठीक है, इन्होंने भारत सरकार से बहुत सारे पैसे लिए, ठीक है, और उसको चुका नहीं पा रहे हैं अभी। अभी कहाँ चले गए विजय माल्या, भाग कर यहाँ से कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए, ठीक है, कहाँ चले गए, ब्रिटेन आ गए। जब ये ब्रिटेन में आ गए तो इनके पास था मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए। इन्होंने ब्रिटेन वाले से कहा कि भैया 10,000 करोड़ रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर दो। ब्रिटेन वाला बोला, यार 10,000 करोड़ रुपए मैं अपने यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मैं ही फंस जाऊँगा, ठीक है। तो ब्रिटेन का मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी था, ठीक है, वो व्यापारी क्या करता है कि ब्रिटेन का जो बहुत बड़ा व्यापारी था, वो ये सोच रहा है कि इस पैसे को ब्रिटेन में ना इन्वेस्ट करके इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट किया जाए, और विजय माल्या से बातचीत करता है। विजय माल्या कहता है क्यों नहीं, इस पैसे को आप डायरेक्ट भारत में निवेश कर दीजिए। तो ये पैसा ब्रिटेन का व्यापारी क्या करता है, भारत में निवेश करता है। देखिए, एक साइकिल बन रहा है, भारत का पैसा बाहर गया, फिर बाहर से पैसा भारत में आया, और ये विजय माल्या के नाम पर नहीं आया, ये स्पेशली उस क्या आया, उस व्यक्ति के नाम पर आया, उस दलाल के नाम पर आया जो ये काम कर रहा है, ठीक है, और ये पैसा भारत में आया। अब यहाँ भारत में बैठी सेबी, ए जरा बताओ तो,
पी नोट्स जारी करेगी, क्या बताएगी, पी नोट्स जारी करेगी, बताओ कैपिटल का सोर्स क्या है, बोलो ना सही किया कि नहीं सेबी ने, क्यों हमने पढ़ा था पीछे पी नोट्स, अभी तो आपको समझ में आ गया ना। तो पी नोट्स इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है, सेबी ने इसीलिए पी नोट्स जारी कर दी है ताकि इस व्यक्ति से पूछ सके कि ये जो 10,000 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ये कहाँ से आए। अभी अगर बताते हैं कि मैंने कमाए तो ये क्या करेगी, पूछताछ करेगी ब्रिटेन में, तो पकड़े जाएंगे। और यदि ये बता नहीं सकते कि विजय माल्या ने हमें दिया है, तो ऐसे करके इन सारी चीज़ों पे रोक लगता है, यानी ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये इंडिया में होता है, तो ये होता है पी नोट्स। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन रहा है। और यहाँ से क्या होता है कि अगर मान लो पी नोट्स जारी की और इसने किसी बहाने मान लो बता दिया, आपके दिमाग में भी तो चल रहा होगा कि मान लो सिद्ध कर दिया कि नहीं ठीक है ये 10,000 करोड़ रुपये छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, 1,000 करोड़ रुपये बांट दिया, ठीक है, और दिखा दिया कि नहीं मेरे हैं, ठीक है, तो भाई जरूरी नहीं कि नहीं वो पकड़ा जाए, तो फिर व्हाइट हो गया। यहाँ से जो ब्लैक मनी बाहर गई वो ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। यही तो होता है ब्लैक मनी का व्हाइट में कन्वर्ट होना, मतलब आपने 2 नंबर से पैसे कमाया और उस पैसे को बाद में 1 नंबर बना लिया। तो विजय माल्या ने क्या किया, विजय माल्या ने 10,000 करोड़ रुपये यहाँ ले गया, इनसे बोला कि ये 10,000 करोड़ रुपया तुम किसी हाल में भारत में इन्वेस्ट कर दो, 1,000 करोड़ रुपया तुम्हारा। ब्रिटेन के व्यापारी ने क्या किया कि 9,000 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और 1,000 करोड़ रुपया अपने पास रख लिया। तो ये 9,000 करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी था ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो बस ये जो पूरा का पूरा एक साइकिल है, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग। बहुत इस समय का सबसे बड़ा कह लो कि पूरे इकोनॉमिक्स में सबसे खतरनाक चीज़ चल रही है राउंड ट्रिपिंग। बहुत बार आपको नाम सुनने को मिलेगा राउंड ट्रिपिंग, ठीक है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस राउंड ट्रिपिंग की, तो समझ लीजिए। तो इसी विषय को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये पूरा का पूरा गेम क्या हो गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, मतलब पैसा यहाँ से गया और फिर पैसा वहीं पे इन्वेस्ट हो गया, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई, यही हो रही मनी लॉन्ड्रिंग। तो बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट पे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए, ठीक है। तो क्या कर, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब वो हमारे देश से पैसा बाहर लेके गए थे, वापस हमारे देश में आ रहे थे और जांच में पकड़े गए, तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए, ठीक है। अगर नहीं पकड़े जाते तो हो गई मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आइए तो इसलिए फिर बात करते हैं कि हवाला क्या था। अभी हमने हवाला में पढ़ा कि यदि भारत से कोई भी व्यक्ति चोरी से पैसा ले जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हवाला, चोरी से चुरा के बिना टैक्स दिए तो उसे क्या कहते हैं, हवाला। जब वह पकड़ा जाता है तब क्या कहलाता है, हवाला स्कैंडल। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना शुरू किया जाता है या बदल दिया जाता है तो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। तो आइए अभी आपको 3 टॉपिक समझ में आ गया ना। अब देखिए होता क्या है, राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग में दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, वही बता रहा हूँ जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसी को डिटेल से समझाने जा रहा हूँ, जब कोई भी व्यक्ति इंडिया से पैसा को बाहर ले जाएगा, यानी मनी को कहाँ ले जाएगा, फॉरेन लेके जाएगा, तो फॉरेन ले जाके करेगा क्या, फॉरेन ले जाएगा, वहाँ तो भाई भारतीय पैसे का कुछ है नहीं करना, भाई भारत के पैसे से वहाँ क्या कर लेगा, तो वहाँ वो कुछ करना नहीं, उसको फिर से वापस लाना है इंडिया में, क्योंकि राउंड ट्रिपिंग तभी तो होगी। अगर अच्छा भारत से पैसा ले गया, दिल्ली सऊदी सॉरी दुबई सऊदी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, भारत में वापस नहीं लाया तो क्या वो राउंड ट्रिपिंग है, नहीं, तब वो राउंड ट्रिपिंग नहीं है, ठीक है, तब तो हवाला हो गया ना, वहाँ से भारत से पैसा बाहर गया, हवाला हो गया ना, वो राउंड ट्रिपिंग तो है नहीं। राउंड ट्रिपिंग का जब भारत से जाए और भारत में वापस आ जाए तब राउंड ट्रिपिंग है, ठीक है, तब मनी लॉन्ड्रिंग है, नहीं तो फिर हवाला हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि विदेश ले गए, अब विदेश से फिर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये भारत में पैसा इन्वेस्ट होगा, यही राउंड ट्रिपिंग था। हम कह रहे हैं इस निवेश की जरूरत क्या है, ठीक है, क्या है निवेश जरूरत, मतलब कि आप सोच रहे होंगे ना कि ए विजय माल्या को यार बाहर ले जाने का जरूरत है, ब्रिटेन ले जाओ फिर ब्रिटेन से लेके आओ फिर इन्वेस्ट कराओ, इतना माथा पच्ची करने का, डायरेक्ट भारत में निवेश करें ना, अगर भारत से कमा के भारत में क्या 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में नहीं बना जाता। अरे ये सारा प्रक्रिया यार ब्लैक को व्हाइट बनाने के लिए हो रहा है ना, क्या भारत में बिना पैसा बाहर गए ब्लैक में व्हाइट नहीं बनता, बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई IAS है, ये मैं किसी IAS के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कुछ जो गंदे किस्म के लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे मैं इनको हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई सरकारी व्यक्ति है, इसलिए लेना था यहाँ मजबूरी से सरकारी व्यक्ति, चलिए मान लीजिए आप IAS ही है, तो एक IAS है उसकी जो पेमेंट होती है वो होती है 70,000 से 80,000 रुपये। अच्छा, पेमेंट होती 70,000 से 80,000 रुपये। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति इनके घर में गया, उसने टाइल्स पर पैर रखा तो उसको लगा यार टाइल्स खोखली है, उसको शंका हुआ गया कुछ गड़बड़ घोटाला है। जब तक वो यह बात किसी से कहता तब तक IAS की बात पता चल चुकी थी। उसने कहा कि पूरा का पूरा पैसा निकलवाया, इनके पास इतना पैसा होता है बेड के नीचे लगा के रखते हैं,
इतना पैसा होता है, टाइल्स के अंदर घुसा घुसा के रखते हैं, फोटो के पीछे डाल के रखते हैं, मतलब कितना पैसा है। ठीक है, यहाँ पैसा ही नहीं हम लोगों के पास, वहाँ इतना पैसा है कि रखने की जगह नहीं, जमीन में लगा के सोए हैं, बेड के अंदर लगा दिए हैं, लगा के पैक करा दिए हैं, उस पर बिस्तर डाल के सो रहे हैं। ठीक है, इतना पैसा है तो अब ये करेंगे क्या। तो जैसे ही IAS को पता चला कि यार अब तो मेरे घर छापा पड़ सकता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए, या ज्यादा पैसा हो गया तो रख के करेंगे क्या, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए। और उसने क्या किया कि एक स्कूल खोला बड़ा सा, एक स्कूल खोला बड़ा सा, ध्यान समझिएगा। और ये स्कूल बोला कि अब मेरे बड़े भाई के नाम से है, किसके नाम से, अपने बड़े भाई के नाम से एक स्कूल खोला, यानी उसका नाम नाय। जब उनसे पूछा गया, अच्छा भाई सेबी के अलावा भी और लोग हैं ना, गवर्नमेंट बॉडीज है, जो इनसे पूछे कि भैया आप स्कूल बना रहे हो, इतना पैसा कहाँ से आया, इन्होंने कहा खेती से आया। किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको पैसा ही नहीं है, ये बोल रहे हैं खेती से पैसा है। कितना पैसा आ जाता है खेती से, जो देखिए दो नंबर वाले होते हैं ना, क्या है ना, खेती का जो पैसा होता है ना, जो एग्रीकल्चर इनकम है भारत में, वो क्या है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, सिंपल सी आपके भाषा में बोले तो वो एग्जेम्प्ट है, या उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो है एग्जेम्प्ट, तो उस पर टैक्स लगना नहीं है। तो जब उस पर टैक्स लगना है तो ये लोग कहते हैं भैया हम खेती से पैसा कमाए हैं, भारत में किसान बेचारे परेशान हैं और ये खेती से पैसा कमा रहे हैं, गजब का ही टैलेंट है ना, इनका टैलेंट कहाँ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सोचिए कि ये इन्होंने बोला खेती से, अच्छा भारत सरकार की जो गवर्नमेंट बॉडी मान भी जाती है, हाँ भैया खेती से आया होगा पैसा, बड़ी खेती है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, खाली मेरे किसान नहीं कमा पा रहे हैं, वही आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना बड़ा स्कूल खोल दिया इन्होंने। ठीक है, कुछ दिन बाद और पैसा आया, एक और स्कूल खोला, ठीक है, दूसरा स्कूल, इसी स्कूल का ब्रांच खोल दिया एक। ठीक है, लोगों ने पूछा पैसा कहाँ से आया, भैया इस खेती से पैसा आया और इस स्कूल से पैसा आया। अच्छा, कुछ दिन बाद एक तीसरा स्कूल खोल दिया, अब पैसा कहाँ से आया, अरे ये स्कूल भी तो कमा रहा है, खेत से भी तो कमा रहा है, यहाँ से भी कमा रहा है, पैसा नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, ये भी स्कूल खोल दिया। कुछ दिन बाद शादी हो गई, एक स्कूल बीबी के नाम पर, ठीक है, स्कूल पे स्कूल खुलते चले जाए, पैसा कहाँ से आया, ये दो स्कूल तीन स्कूल से मिलाकर आ रहा है, खेती से आ रहा है पैसा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, जो हमारी ब्लैक मनी है वो स्कूल खुल गई, अब स्कूल से जो इनकम होगी वो हमारी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई, बोलो बढ़ रहा है ना सारी चीज़ें, तो ये भी तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि राउंड ट्रिपिंग हो, ये भी इस तरह से भी काम होते हैं। राउंड ट्रिपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, जब बात ज़्यादा पैसे की होती है, बहुत अधिक पैसे, 10,000 20,000 करोड़ की बात होती है, फिर राउंड ट्रिपिंग करनी ही पड़ती है, फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर थोड़े मोड़े पैसे की बात है, 2-4-5 करोड़ की बात है, तो उसे लोग यहीं पे खा पी के मस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नहीं दिक्कत होती है, जब अमाउंट बड़ा होता है तब लोग राउंड ट्रिपिंग करते हैं, जब अमाउंट छोटा होता है तो यार बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आपके भी माइंड में होगा कि सर ऐसे भी तो ब्लैक मनी व्हाइट कर सकते हैं, तो जो जो आप लोग सोच रहे हैं सारा चीज़ सही है। बात हमारा क्या है, मुद्दा हमारा था कैपिटल मार्केट का, चलिए आइए अपने मुद्दे पर चलते हैं। अब क्या हुआ कि सेबी तो था नहीं, सेबी तो आएगा कब, 1988 में बनेगा सेबी, 1992 सेबी का अधिनियम पारित होगा, तो 1988 के पहले की अगर बात करें तो इन सबको डील कौन करता था, मतलब गवर्नमेंट डील करती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए गवर्नमेंट ने देखा कि 1973 में मनी लॉन्ड्रिंग इतना बढ़ गया था जिसकी कोई हिसाब नहीं। अच्छा दोस्तों, आप बचपन में पुराने पिक्चर देखते थे तो उस पिक्चर में क्या दिखाता था, उस पिक्चर में हम बताया क्या दिखाता था, जैसे कि जो गुंडा होता था वो मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ पकड़ा जाता था, हवाला करता था, ठीक है, सोने के बिस्किट हुआ करते थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अभी वो सारी चीज़ें नहीं देखते, अभी किसी पिक्चर में देखा है कि सोने का बिस्किट लेके पकड़ा गया अपराधी। तो 1990 के दशक में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हवाला सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए पिक्चर भी उन फिल्म भी उस समय उसी टाइप की बनती थी। ठीक है, तो 1973 में इस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक अधिनियम लेकर आया जिसका नाम है फेरा अधिनियम, ध्यान समझिएगा, फेरा अधिनियम। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, किसी को जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने कभी ना तो पढ़ा है ना तो कभी सुना है, बहुत ध्यान समझिएगा। फेरा अधिनियम आप बार बार पढ़ते हो, बार बार भूल जाते हो, आपकी जीवन में नहीं भूलोगे। कोई आपसे पूछे फेरा अधिनियम क्यों बनाया गया, तो आप क्या बताओगे, 1973 में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, कोई जैसे पूछा मनी लॉन्ड्रिंग, बैठो बता रहा हूँ तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखो भैया मनी लॉन्ड्रिंग होती है राउंड ट्रिपिंग, भारत से कोई आदमी क्या करे, फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करे, सारी कहानी उसको बता देना, आदमी पागल हो जाएगा, कितना पढ़ लिया है आदमी। ठीक है, तो कुल मिला जुला के मनी लॉन्ड्रिंग बताना, और बोलना कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक फेरा अधिनियम लेके आया। फेरा, फेरा अधिनियम क्या बोलते हैं, फेरा अधिनियम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,
देखिए, फॉरेन फॉरेन माने विदेशी, एक्सचेंज माने एक्सचेंज कर लेना, रेगुलेशन माने उसको भी रेगुलेट करेगा, और एक्ट यानी एक ऐसा नियम जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, मतलब विदेश से आने वाले पैसे को रेगुलेट करेगा, क्योंकि सेबी तो है नहीं कि वो बेचारा पी नोट्स जारी कर दे, ठीक है, वो तो है नहीं, तो रेगुलेशन का काम किसका था, फेरा का था, ठीक है, तो फेरा लाया गया। अब फेरा में बताया गया कि कोई भी आदमी यदि पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग करते समय, बहुत दिमाग खराब हो गया सरकार को, अगर कोई आदमी मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़ा गया, जान लो गैर जमानती जेल, गैर जमानती जेल, कोई भी आदमी पकड़ा गया मतलब वो जेल जाएगा, 7 साल के लिए जेल जाएगा, थोड़े मोटे टाइम के लिए नहीं। और सुनो, उसका वकील ना उसका जमानत भी नहीं करा सकता, गैर जमानती, गैर जमानती माने क्या होता है, इसमें जमानत नहीं मिलती, 7 साल काटना ही काटना है, पकड़ा गया कहानी खत्म, कुछ नहीं, कोई क्षमादान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, गैर जमानती जेल 7 साल जाओ छोड़ो, कहानी खत्म तुम्हारी। क्यों ऐसा कठिन कानून बनाया गया, ताकि लोग डरें, राउंड ट्रिपिंग से लोग डरें, मनी लॉन्ड्रिंग से डरें। फेरा का उद्देश्य क्या था, फेरा का उद्देश्य था कि हर हाल में हमें राउंड जो ट्रिपिंग हो रही है या ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इस पर हमको हर हाल में नियंत्रण लेना है। तो जैसे ही कोई आदमी पकड़ा जाता था, उसका पैसा क्या करेगी, दे देगी वापस, अरे पैसा भी जब्त कर लेगी जी, पैसा भी जब्त कर लेगी, जेल भी भेज देगी, और जेल कैसा होगा, गैर जमानती वारंट ही नहीं है कि आए जमानत लेके आपका वकील चला गया, चाहे आप अनिल अंबानी हो, चाहे आप मुकेश अंबानी हो, चाहे आप टाटा हो, बिरला हो, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो गैर जमानती जेल होगी 7 साल की। ऐसा कठिन कानून बनाया फेरा ने, आपको क्या लगता है चीज़ें कंट्रोल होंगे, हाँ बहुत हदों तक चीज़ें कंट्रोल हुई, इतने लोग जेल गए, इतने लोग जेल गए, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी हुआ भारत सरकार को। ध्यान सुनना क्या नुकसान हुआ, अब क्या हुआ, देखिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये होते कौन लोग हैं, आप करोगे मनी लॉन्ड्रिंग, कई रुपया रखे हो मनी लॉन्ड्रिंग करने जा रहे हो, आए 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख इतना रखे हो, इसके मनी लॉन्ड्रिंग करने जाओगे, उससे अच्छा है कि यार यहीं पे खा पी के खत्म कर दो। तो ये लोग जाते थे कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं, जिनके पास यार 10-5 हज़ार करोड़ है, वो ना करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ये उद्योगपति लोग अगर पकड़ा गए हैं, ठीक है, तो गैर जमानती जेल चले जाएंगे खट से 7 साल की। और यदि ये उद्योगपति लोग जेल चले गए हैं, तो इनके जो कंपनी में काम कर रहे इम्प्लाई लोग हैं, उनका क्या होगा, कंपनी बंद, इम्प्लाई को सैलरी कौन देगा, कहानी खत्म, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बढ़ेगा। ध्यान समझिएगा, फेरा आया और उसकी वजह से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया। गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया करते थे, अच्छा चलो कुछ पैसा लेके गए, कुछ तो टैक्स देते थे कि सब लेके चले जाते थे, कुछ तो देते थे, उन्होंने अब वो पैसा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंपनी चली नहीं रही, मालिक तो जेल में है, अब देखेगा कौन। तो रिवेन्यू भी भारत सरकार की घटने लगी, ऊपर से 7 साल की जेल हो जाएगी जिस व्यक्ति को, जिस उद्योगपति को, उसकी कंपनी का बहुत प्रॉफिट में चलेगी, भयंकर डेब्ट में चलेगी, या तो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कंपनी भी गई, रिवेन्यू भी गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, ऊपर से जेल में आएंगे, और इतना तो भाई हक है सबको कि पैसा देके तुम जेल में सुविधा ले सकते हो, लीगल, लीगल इलीगल नहीं। आपने सुना होगा कसाब के ऊपर 5 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, ठीक है, तो कैसे हुआ, तो वो ले सकते हैं सुविधा, ठीक है, ये सुविधा आपको आपके अनुसार मिल सकता है। अगर अंबानी जाएंगे जेल में तो उनके लिए रहने की अलग से व्यवस्था होगी, वो उसका पेमेंट करेंगे, उसका चार्ज होगा अलग से, ठीक है। तो नाम का जेल रहता है तो सारी सुविधा, एक तो जेल में वैसे ही इतने कैदी, जेल की कमी, ऊपर से एक लोग और चलो, उनकी व्यवस्था देखो, उनकी सिक्योरिटी देखो। भारत सरकार ने कहा यार कुछ करना होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ करना होगा, ये सारी चीज़ गड़बड़ हो रही है। आपको लग नहीं रहा है गड़बड़ हो रही है, लग रहा है ना गड़बड़ हो रही है, काफ़ी लंबे समय तक। अच्छा, ये सारी चीज़ें भारत सरकार को तुरंत नहीं समझ में आ गई, तुरंत समझ में आ गई होती तो यार फेरा क्यों बनाता, तो थोड़ा सा जो है टाइम लगाता है, ठीक है, कि भारत सरकार को ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगा। और वो टाइम लगा कितना, तो देखिए फेरा बना था 1973 में, और फेरा की जगह फेमा को लाया गया 1998 में, 1998 में लाया गया, क्योंकि सेबी तो बेचारा अपना शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, अब सेबी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट थोड़े करेगा, है कि नहीं, वो तो उसका मतलब कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, मनी मार्केट से है। तो ये जो फेरा और फेमा थे, तो फेरा को कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया किसमें, फेमा में। फेमा मतलब होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सरकार ने कहा रेगुलेशन नहीं, अब रेगुलेट नहीं करेंगे, अब मैनेजमेंट करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कब, 1998 में, कब, 1998 में, याद रखा दोस्तों। अब देखिए सिंपल सी बात है, अरे 88 में तुम्हारा बना है सेबी, 1988 में क्या बना है सेबी, उसके 10 साल बाद की कहानी है,
उसके 10 साल बाद कहानी है 1988 से 1998, तो फेरा को फेमा बदल दिया गया। ठीक है, तो ये देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, इसमें क्या हुआ ये अब देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 98 में ये लाया गया जो फेमा का वो था, लाया गया अधिनियम। 1999 में ये एक्ट बना और सन 2000 में लागू हुआ, एक एक साल बाद। 98 में लाया गया बिल के रूप में, कानून कब बना, यानी अगर आपसे पूछे फेमा कब लाया गया 1998 में, फेमा कब बना 1999 में, फेमा कब लागू हुआ सन 2000 में, इतना पढ़े थे, कभी केयर नहीं किए थे, पढ़े रहोगे सोचोगे किताब में लगता है मिसप्रिंट दे दिया है, 98 होता है यहाँ 99 दिया, काट दो इसको, 99 दिया सन 2000 तक काट दो इसको, ऐसा होता है। पूरी पूरी कहानी समझिए अब। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब इन्होंने सरकार ने कहा कि अपनी पॉलिसी को किया चेंज, सरकार ने कहा कि अब मैं जेल नहीं भेजूंगा, जेल भेजने से बड़ा नुकसान हो जाता है, नुकसान देखने जेल का ही तो नुकसान है, सरकार ने कहा मैं जेल नहीं भेजूंगा, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाएगा जेल नहीं भेजूंगा, तो क्या करोगे भाई, तीन गुना जुर्माना लूंगा, तीन गुना जुर्माना, मतलब जितना पैसा पाए हो तो जब थोबे करेगा उसका तीन गुना जुर्माना और देना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहानी बनी 2011 में, देखिए क्या राहत फतेह अली खान बार बार आ जा रहे हैं हमारे सामने, क्या करें, एग्जाम्पल ही नहीं का है। राहत फतेह अली खान 2011 में 7 मिलियन रुपये के साथ पकड़े गए। ठीक है, सरकार ने ये पैसा जब्त किया और इनके ऊपर लगाए 21 मिलियन। देखिए ध्यान, इससे होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, गवर्नमेंट की रिवेन्यू आय हाय गजब की बढ़ रही है, तिगुना तिगुना। ठीक है, 7 साल की जेल, कोई भी जेल नहीं, लाओ पैसा लाओ तिगुना। ठीक है, ऊपर से जेल की सुविधा भी नहीं देनी है। ठीक है, तो जो आदमी, जब आपको क्या होगा कि आपका 10 लाख पकड़ा जाएगा, 10 लाख के बदले 30 लाख और दोगे तो वैसे ही बुद्धि एरियर हो जाएगी, अगले बार से जो है मनी लॉन्ड्रिंग कान पकड़ लेगा आपके, आज के बाद नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आपको फेरा फेमस समझ में आएगा। अगली टॉपिक जो हमारी है ये फॉरेन इन्वेस्टर है, और मैं चाहूँगा कि फिर से 20-21 मिनट हो गया तो थोड़ा सा आपको ब्रेक देना चाहूँगा, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें और अच्छे से इस चीज़ को कवर करेंगे। छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ इसलिए दोस्तों कि आपको समझ में आए, मैं चाहूँ तो 1-1.5 घंटे का पार्ट बना सकता हूँ, इकोनॉमिक्स यार परेशान हो जाओगे सोच के। ठीक है, तो अभी आपको फेरा फेमस समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच आप लोगों का, और प्लीज़ वीडियो पे दोस्तों जब ऐड आता है तो खूब ऐड देखा करिए। ठीक है, दिन भर ऐड ही मत देखा करिए, थोड़ा बहुत देखा करिए। ठीक है, किसी ने कल हमें कमेंट किया, क्या कमेंट किया कि सर दिन भर थोड़े ऐड देखेंगे, हमने कहा ठीक है जब भी इच्छा हो तब भी देखेगा, और कुछ स्पेशल लोग हैं जो ऐड नहीं देख रहे उनकी वजह से मेरा रिवेन्यू कम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।